नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक्सलेंट करियर के चैनल में। आप देख रहे हैं एक्सलेंट करियर को, मेरा नाम है यश। दोस्तों आपका स्वागत है एक्सलेंट करियर के चैनल में। आप देख रहे हैं एक्सलेंट करियर को, माई सेल्फ यश पुरवाल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाली हैं। 100% नहीं बल्कि 110% आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में यूजफुल होने वाली हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाले हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। शायद आपको ऐसी वीडियो कहीं ना मिले, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो बिल्कुल देखें, इसके बिल्कुल ना करें। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी, वो भी क्लास 12 का टॉपिक बनाया जा रहा है। ये हिंदी का टॉपिक बनाया जा रहा है, यानी हिंदी की वीडियो बनाई जा रही है, वो भी क्लास 12 वालों के लिए है। ये क्लास 12 की वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम आज आपको पार्ट टू बताएंगे। क्या बताएंगे? पार्ट टू। इसका पार्ट वन बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको पार्ट वन पार्ट टू समझ में नहीं आएगा। ये पेपर में 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? पेपर में 5 नंबर का आएगा ये। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। और हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट रचनाएं, ठीक है, वो इन्हीं वीडियो से ही आएगा। मेरी इसी वीडियो से पूरा पेपर आएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में 2012 से लेकर 2020 तक की इम्पोर्टेंट रचनाएं रखी हैं। इनसे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हर साल ही आती हैं, वो ही मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो में रखी है, फालतू की नहीं रखी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और इसके बिल्कुल ना करें। आज हम आपको पढ़ाएंगे गद्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। गद्य रचनाएं और उनके रचनाकार, ये पेपर में 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के पेपर में आते हैं। फर्स्ट रचना है गबन। फर्स्ट रचना कौन सी है? गबन। गबन किसकी रचना है? फर्स्ट रचना क्या है? गबन। गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद। आपको पेपर में ये दिया जाएगा गबन, ये दिया जाएगा। अब इसकी आपको रचनाकार लिखना है, ये आपकी रचना है और इनके रचनाकार लिखना है। तो गबन किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है, आपको प्रेमचंद लिख देना है। उसके बाद आपका गोदान। गोदान किसकी रचना है? जैसे आपको पेपर में दिया जाए गोदान, गोदान की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। क्या लिखना है आपको? प्रेमचंद। क्या लिखोगे? प्रेमचंद। अब आपकी थर्ड रचना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, और गुनाहों का देवता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाए गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती है। इनके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। अब आपका क्वेश्चन 4 है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका है सिद्ध चंद्रावली। चंद्रावली ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आई थी। तब भी ये बोर्ड परीक्षा में आई थी, तो इसमें आपको चंद्रावली, जैसे आपसे पूछा जाए चंद्रावली के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद आपसे 6, जैसे कुछ आपका 6 वाली है जो चित्रलेखा। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? अब आप क्या बताओगे? चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। आपसे पूछा जाए चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा, ठीक है। उसके बाद आपसे 7 पूछा जाएगा ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। किसकी है? गुलाब राय। तो आपको क्या लिखना है? आपसे दिया जाए ठलुआ क्लब, तो आपको क्या लिखना है? गुलाब राय। उसके बाद है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नासी के तो पाख्यान, सदल मिश्र, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपसे पूछा जाएगा नासी के तो पाख्यान के रचनाकार कौन है? तो आप क्या लिखोगे? सदल मिश्र लिखोगे। क्या लिखोगे? सदल मिश्र। उसके बाद है 9, नीरजा। नीरजा के क्या है? महादेवी वर्मा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो हर बार बोर्ड परीक्षा में आती है, ठीक है, आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। अब उसके बाद आपका है 10वां, कौन सा है? 10वां भारत भारती, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैत्री शरण गुप्त। हमने देखो शॉर्ट में लिख दिया है भारत भारती, आप क्या लिखोगे? मैत्री शरण गुप्त।
क्या लिखोगे? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद 11 है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इस बार 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक है। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें भारा भा लगा हो तो उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा, जिसमें भा से शुरू हो जाए जो रचना, ठीक है। भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ये मत कहना कि ये वाली सर हो ही शुरू, तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भा से ही शुरू हुई है। भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, माटी की मूर्तें, राम ब्रच बेनीपुरी। माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? राम ब्रच बेनीपुरी। कौन है? राम ब्रच बेनीपुरी। अब 13 है मेरी आत्मकथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाए मेरी आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 14 है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय, ठीक है। आपको हमने इस वीडियो में 14 रचना बताई है। कितनी बताई है? 14 है। 14 में से कम आपका 5 नंबर का पेपर 100% फंस जाएगा, और इन्हीं ही रचनाओं से फंसेगा। अगर आपने इन रचनाओं को पूरा देखा होगा, अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से याद अगर करोगे, तो आप पेपर में पूरा करके जरूर आओगे, तो आपके 5 नंबर कोई मिटाने वाला नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो को देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे आपका क्या फायदा होता है पता है? आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं, उससे आपको बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम भी खुश होते हैं कि आपने वीडियो लाइक किया, आपको पसंद आई है मेरी वीडियो। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आया करे तो आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो शेयर करने से पता क्या होता है, वीडियो शेयर करने से अन्य लोगों को नॉलेज मिलती है। जब अन्य लोगों को नॉलेज मिलेगी तो वो आपका नाम लेगा, जब वो आपका नाम लेगा तो आपकी बढ़ाई होगी नहीं। और आप मेरी वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, जिससे मेरी वीडियो में कमेंट अगर आप करोगे तो मुझसे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, और मेरी वीडियो को अगर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनल बात करनी है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, सर आपको मेरी हम आपको इसकी वीडियो चाहिए, तो मैं आपकी उसी वीडियो को बना दूंगा। लेकिन आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर तो कर सकते हैं ना। और आप इससे रिलेटेड 12th क्लास की वीडियो मेरे चैनल पे और भी डाली गई हैं, आप उन सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके इसी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। आप मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।